क्योंकि मेरा नाम है निमरानी और उनका नाम है अरूज अली। वाओ यार, व्हाट्स अ कोइंसिडेंस। हेलो, मैं हूँ अरूज अली। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9। हेलो, मैं हूँ अरूज अली और हम जा रहे हैं करतारपुर। तो आज मैं आई हूँ गुलाबी बाग। दे मस्ट बी वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान ने ये सब उनके लिए किया कि मुगल एरा के एक पर्शियन नोबल मिर्जा सुल्तान बेग ने बनाया। सबसे ज्यादा एक फेवरेट चीज ट्रैवलिंग है। यस। तो शादी क्यों नहीं हुई? शादी क्यों नहीं हुई? हाँ, शादी अभी तक क्यों नहीं की? ये मुझे भी नहीं पता वैसे क्यों नहीं हुई। प्यार भी नहीं करना? करती है वैसे किसी से? करती हैं। हील्स वगैरह पहनती हैं? नहीं, वो मेरे से हैंडल नहीं होती हील्स। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मेरी मामा ने हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मैं बता भी नहीं सकती। तो इसलिए बस मुझे मेरी मामा को एक बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है बस। ऑलवेज कि आप होस्ट भी हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल भी रन करती हैं और उसके अलावा आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन सी न्यूज़ के? मावरस न्यूज़। हाँ, वो मैं पहले एक जगह पे थी उधर। मेरा अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करती हूँ द करण पी। अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ? उसके ऊपर चांद रात वाले दिन मेहंदी लगा रही थी, वो कौन सा था फिर? अरे वाह, बड़ी रिसर्च हुई है इधर तो। हाँ ना। हाँ नहीं, वो असल में लॉकडाउन था और वो मैंने द करंट के लिए ही वीडियो बनाया। अच्छा, जब लॉकडाउन था तो तब कहीं जाती नहीं थी? नहीं, फिर तो लाइक टूरिज्म ही बंद हुआ हुआ था। तो फिर घर पर बैठ कर उनको वीडियो सेंड करती रहती थी? हाँ। बस वही आप होस्टिंग करती हैं? हाँ। हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज टाइम नहीं मिलता हॉबीज का, लेकिन नहीं जब टाइम मिलता है तो कुछ देख लेती हूँ मैं। नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख ली, कोई मूवी। ड्रामा मूवीज देखती हैं? फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम बताएं जल्दी। हाय, ये पता नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, लाइक सीरियसली। क्यों? कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें पसंद आया, हाँ ये अच्छी है, वैसे ये भी अच्छी है, ऐसा कोई भी नहीं है? हाँ, अच्छी है, लाइक सजल अली मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद और है। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, क्यूट है ना। हाँ। और उनकी अब शादी होगी, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। किससे हुई है? कमल अच्छा है ना। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं, एक हम ही वेले बैठे हैं अभी तो। आप तो बहुत छोटी सी होगी। मैं मजाक में कह रही थी, मुझे पता है। सॉरी, आपका फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक। ओए, मेरा भी देखो, मैं तो पहना है। मैं आपको बताऊं, मेरा कोई भी यानी फेवरेट ओकेजन आए ना तो मैं ब्लैक पहन के जाती हूं। आपके साथ ऐसा होता है? है ना, आपका भी यही होता है ना, कोई स्पेशल डे हो तो फिर ब्लैक पहन के जाती हैं। हां, उसके अलावा रेड नहीं पसंद? रेड भी अच्छा होता है, बाकी सारे मुझे सिर्फ दो कलर्स पसंद नहीं है पहनने, एक ऑरेंज क्योंकि वो बहुत लगता है, यू नो। पहना तो ऑरेंज है। हां, ओके। बहुत देखो, ढेर सारे हैं, रंग बिरंगा पप्पू टंगा पहना हुआ है। मेजे, मेरे आर्ट डायरेक्टर ने एक बार बोला मेजे, मैं आपको बताऊं, ये मेरे जैसी है, ये मेजे कह रही है, मैं मेजे कहती हूं, मैं भी मेजे कहती हूं। हां, अच्छा, हम कहीं कुंभ के मेले में खो तो नहीं गए? नहीं, हम ऑलरेडी 3 महीने, मैं बहुत हूं। हम भी 3 महीने। भाई है कोई? हां, एक। ओए, मेरा भी। ओके, आप कौन से नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटी हूं। अरे, इससे छोटा भाई है? नहीं, मैं लाइक सब बड़ी बहन है, उनकी शादी वगैरह हो गई है सब की? अकेली हो? नहीं, हाँ शादी हो गई सब। मामा पापा और आप? और मेरा भाई और भाभी और भतीजी। और वाह, भाइयों की भी शादी, हमारी इधर किसी की नहीं शादी हुई अभी। चलो, हो जाए, हम सारे कमा रहे हैं। अच्छा, फेवरेट कलर आपने ब्लैक कहा है और सबसे बुरा आपको ऑरेंज लगता है, लेकिन पहना आपने ऑरेंज है। आपकी हाइट तो ठीक ठाक है, मेरी जितनी है, कुछ खास नहीं है। तो हील्स वगैरह पहनती हैं? नहीं, वो मेरे से हैंडल नहीं होती हील्स में। शादी में पहनूं अगले दिन मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ना बीमार पड़ गई। नहीं, मैं आपको बताऊँ, भावे मैं टीबी मरीज क्यों ना हूँ, मैं फिर भी हील की जितनी पहन के जाना पसंद मेरी। मैं, मुझे जरा नहीं पसंद हील, बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस मैं फ्लैट पहनती हूँ और उसके अलावा जब मैं निदा यासिर के शो में गई ना, तब मुझे लगा कि निमरा, ये निदा यासिर का शो है, इधर तुम्हें लंबा दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद भी इतनी लंबी है माशाल्लाह। तो मुझे उनके जैसे ना हाइट एडजस्ट करनी थी, फिर मैंने हील्स ली और वो मैंने एक दफ़ा पहनी है। अब मैं जहाँ जाती हूँ वो पहन के चली जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ वो पहन के। अभी मैंने वही पहन लिया है। अच्छी बात है, इतनी अच्छी है ब्लैक कलर की। हाँ, मैं लेती, मैं ब्लैक ही हूँ, माई फेवरेट इज ब्लैक। आप भी मुझसे कुछ पूछ लें। हाँ, मैं वेट कर रही थी, कैसा लगा था जब आप निदा यासिर के शो में, आपको कॉल आई कि नो आप आएंगी?
मैं बताऊँ उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, उन्होंने मुझे नहीं आई उनकी तरफ से थी मुझे कॉल, उन्होंने मुझे ARY न्यूज़ के लिए कॉल की थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे निदा यासिर के शो में जाना है। मैंने बहुत क्यूटली कहा था नहीं मुझे निदा यासिर के शो में जाना है, मुझे निदा यासिर के शो में बुलाएं। तो वो कहते बेटा वो दो हफ्ते के शोज जो हैं वो लाइंड अप हुए होते हैं, आपको अभी नहीं हम बुला सकते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, हमारी बात ख़त्म होगी। ये बात मैंने उनको वॉइस मैसेज पर कही थी, ठीक है, वो वॉइस मैसेज देखो उन्होंने शो में चलाया था। फिर उसके बाद मुझे कॉल आई तो फिर उन्होंने कहा कि अभी आप न्यूज़ में ना दें, आपको निदा यासिर के शो में बुलाएंगे तो आप एक हफ़्ता वेट कर लें। वो तब मेरे नए नए डेज थे, मैं तब नई नई वायरल हुई थी, तो मैंने एक हफ़्ता वेट किया। फिर एक हफ़्ता वेट करने के बाद मुझे कॉल आई, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना उनकी कॉल आई। तो ना तब मुझे ना मेरे दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी, तुम निमरा शो में जाओगी तो 50,000 रुपये लेकर जाना, बाय एयर जाना, ये करना वो करना। मैंने कहा चलो ठीक है। 50,000 रुपये क्या करने थे? अरे मैं इनके पैसों के पीछे मुझे कुछ मुझे नहीं, आप देखें जब उनकी कॉल आई मैंने इससे अच्छा सॉरी मुझे लगा साथ रख के जाना, नहीं तो मुझे लगा था कि नहीं ऐसे मुझे बस शौक था जाने का, लेकिन मैंने बातों में आके ऐसे ऐसे कहा, वो कहते नहीं हम आपको आपको वैसे ही बुला रहे हैं, वैसे ही हमारा आप पे इतना खर्चा आ रहा है। तो मैंने कहा हमें किसी की बातों में आके निमरा इतना बड़ा चांस ना छोड़ो, तुम्हें निदा से मिलने का शौक था, तुम्हें कराची जाने का मौका मिला, तुम्हें और क्या चाहिए, ऐसे दूसरों की बातों में आके पागल हो रही हो। मैंने कहा जी ठीक है मुझे सब कुछ मांग मंजूर है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए, टिकट्स करवाई हमने, कराची गए। कराची में मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मुझे लगा था बस एक दिन के लिए मैं जाऊँगी और 2 घंटे का शो होगा घर वापस, लेकिन नहीं उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को, मैं थैंक यू ARY, उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को पूरी को बुलाया। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, एक दिन मैंने शॉपिंग की, दूसरे दिन मैं चिड़ियाघर घूमी, तीसरे दिन मैं क्लिफ्टन घूमी, चौथे दिन मैं मॉल्स वगैरह में गई, और 5th डे उन्होंने मेरा शूट वगैरह किया, रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि निमरा बड़बोली सी है, हमें लाइव शो में कुछ बोलना दे, फिर इसलिए उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने इवन मुझे रेडी करवाया, मैनीक्योर पेडीक्योर करवाया, अगले दिन मैं नंगे पाँव फिर रही हूँ, कुछ होश नहीं है कि मैंने पेडी हुआ है। फिर बाल कटवाए मैंने, इतने इतने बाल होते थे, फिर बाल शाल कटवाए, फिर पूरा रेडी शेडी होकर मैं उनके शो में गई, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी उन्होंने अपने हस्बैंड से बात भी करवाई, ड्रामे का भी कहा पता नहीं, माय गॉड आ जाएगा आ जाएगा। फिर बादशाह थी, मुझे अच्छा लगा, फिर हम घर आ गए। फिर उसके बाद जब मैं आई ना, मुझे ट्रेन में लग रहा था कि मैं एक हफ्ता लाहौर में नहीं ना रही, तो लाहौर वाले मुझे भूल गए होंगे, मैं किसी को याद ही होंगी। लेकिन मैं जैसे ही घर आई थी, अभी मैंने कदम ही रखा था ट्रेन से उतर के, तो फोन आ गया, बाप कराची से वापस आ गए, हमें इंटरव्यू देते हैं, हमें इंटरव्यू देते हैं। वाह ना, तुम अभी भी लाइमलाइट में ही हो, चलो चलो। फिर उसके बाद मैंने वापस इंटरव्यू देना शुरू किए। फिर मेरी मामा ने कहा कि अब इंटरव्यूज एंड होने वाले हैं, तो तुम किसी चैनल को ज्वाइन कर लो, तो इससे यानी तुम्हारी भी हो जाए, तुम्हें भी फायदा होगा, तुम फेमस हो, तुम्हें कुछ तो हो कि हाँ भाई मैं फेमस होने का मुझे कुछ तो फायदा हुआ है। फिर उस वक्त लेकिन मैं जब नई नई फेमस हुई थी ना, मुझे सबने कहा था कि हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो फ्लां फ्लां फ्लां, आप वो क्या कहते हैं तारे दिखाना है ऐसे ना, उन्होंने मुझे दिखाए। फिर लेकिन किया कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद एक सानिया है, सानिया इसहाक उनका नाम है, वो ATN एंड डिजिटल में मेरी कोलीग हैं, हमारी प्रोड्यूसर हैं। फिर उन्होंने मुझे कॉल की, कहती कहाँ है इमरा यार तुम, मैंने कहा जान जान मुझे कहती हैं वो ये काटा ना तो फिर देखना, वो मुझे जान जान कहती हैं, कहती कहाँ है यार, तो मैंने कहा यहाँ यहाँ, कहती तू आ जल्दी आ। फिर मैं आई, फिर उन्होंने मुझे डिस्कस किया, फिर मुझे अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बताऊँ मैं कहीं भी जॉब कर लेती, मुझे क्या पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। तो लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि निमरा वहाँ काम करने जाओ तुम्हारी इज्जत हो। वेरी गुड नसीहत। हाँ फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर डन किया। और आज बैठ कर देखें, मैं पहले एक आम सी लड़की थी जो घर पर कुछ नहीं करती थी, सिर्फ तस्वीरें खींच ली, स्कूल चले गए, पानी पी लिया, नहा लिया, धो लिया, बस ये मैं करती थी। लेकिन अब मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, अब तो मैं खाना भी नहीं ठीक से खाती, टाइम ही नहीं मिलता। वाकई झूठ नहीं बोली, सुबह उठो तैयार हो, खाना तो खाना चाहिए। हाँ और साथ साथ मुझे अपनी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। ऐसे बातें करनी जैसे मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, मैं अपनी पिछली जिंदगी आप लोगों से शेयर कर। लेकिन मेरे लिए मैं अभी जितनी भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ इतने में। वेरी गुड, आप हैं सेलिब्रिटी। अब मुझे ज़रा बताओ, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी इस सवाल करने का कि अगर मैं कभी जाऊँ कराची, सीक्रेट्स ऑफ कराची करूँ, आप घूमो हाँ। कराची कौन सी जगह सबसे अच्छी है? मैं बताऊँ, मैं वहाँ पर गई घूमी घूमी, लेकिन मुझे सबसे, मुझे एक ख्वाहिश थी कि बस मुझे समुंदर जाना। अच्छा
समुंदर जाके जो मुझे मजा आया ना, बंदा भूल ही जाता है कि वो पीछे गया था, पीछे नहीं, रिलैक्स होके मैं वहां घूमी। लेकिन जब मैंने दूसरों को मैं बताती थी ना कि मैं समुंदर गई, समुंदर क्या ये घूमने की जगह, तुम उनसे ये करती, तुम, मैं कहती हूँ अच्छा ये, यानी जिस चीज की मुझे ख्वाहिश थी मैं वो छोड़ के लल्लू पंजू जगह पर, या उनके लिए वो अच्छी होंगी लेकिन मेरे लिए तो नहीं। समुंदर मैंने भी कभी नहीं देखा, मुझे मतलब जाके नहीं देखा, मुझे भी नहीं ना, मुझे भी ख्वाहिश थी और मैं गई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी। हमारा तो कराची में कोई है भी नहीं इसके साथ, हम फैमिली वाले हो तो फिर बंदा जाता भी है, लेकिन कोई था ही नहीं, हम लाहौर में ही रहे हैं बस। हाय अल्लाह, हम भी लाहौर में ही रहे हैं बस, है ना। लेकिन फिर मुझे मौका मिला, मैं कराची की, ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं आपका इंटरव्यू ले रही, आप मेरा इंटरव्यू ले रही है। मुझे पक्का लग रहा है कि हम ना कुंभ के मेले में ही खोए थे, है ना। ख्वाहिश है ना, इंसान की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं जो बर वक्त पूरी होती हैं, और मेरी भी पूरी हो गई। अब मेरी और भी काफ़ी ख्वाहिशात हैं, अगर वो पूरी होगी ना तो मैं समझूंगी कि निम्रा तुम्हारी ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया। ये बात है ना, है ऐसे कुछ होती हैं, एम्स होते हैं। क्या है ज़िंदगी का मकसद? मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मेरी मामा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मैं बता भी नहीं सकती, तो इसलिए बस मुझे मेरी मामा को एक बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है बस। ऑब्वियसली मेरी मामा को ना, हमारा अपना घर था, बहुत बड़ा था, कुछ हुआ मसले वगैरह जिसकी वजह से वो बेच दिया, तो अब दोबारा मुझे लेना है। मैं चाहती हूँ कि बस हम, कि मैं देखें एक लड़की हूँ, सब यही कहते हैं कि इन्होंने तो अगले घर चले जाना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपनी मामा को ना अब बस अपना घर ले दूँ किसी तरह, और बस बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस मुझे अपना घर चाहिए। फिर मुझे बुलाओगी अपने नए घर में? जरूर, मैं जरूर इनवाइट करूंगी, मैं दावत दूंगी आपको। ओए, मेरा अपना घर हो ना तो मैं तो बहुत बड़ी पार्टी दूँ, बड़ी पार्टी क्या, बड़ा मिलाद दूँ, मिलाद अच्छा काम होगी, मिलाद। वेरी गुड। मैंने निम्राली, आप टिकटॉक भी बनाते हो? हाँ, मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ। टिकटॉक कैसा होता है, आसान होता है यूज करना? पकड़ के इधर गाना लगा, टिकटॉक बन गई, ये भी मैं आने से पहले 10 बना के आई हूँ। अरे वाह, एक एक टिकटॉक, अच्छी टिकटॉक वीडियो कितने टाइम में बन जाती है? मैं, मेरे पास ना, मैं क्या कहूँ, मैं एक घंटे में 10 वीडियोस बना लेती हूँ। वाह यार, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अगर ये साउंड पर होता है, अगर आपको साउंड प्रॉपरली याद हो ना तो मिनट ही नहीं लगता, यानी आप देख कर ही वीडियोस बनाती है ना, अगले बंदे का आपने एक्सप्रेशन चोरी करने हैं, एक्सप्रेशन चोरी कर लो, गाना याद पड़ेगा, 10 मिनट में वीडियो, अच्छी बेहतरीन वीडियो बन जाती है। बड़े बड़े जो टिकटॉकर्स हैं उनका टाइम बता रही हूँ मैं, कि वो 10 मिनट लेते हैं एक टिकटॉक का, अच्छी उनको तो पैसे भी मिलते हैं टिकटॉक बनाने के, सुना हुआ है। खैर सानू तो फैक्टर पे आने लगता है, मुझे तो शौक ही बहुत है टिकटॉक का, मैं शौक के लिए बनाती हूँ, पहले भी बनाती थी, अभी बनाती हूँ। अच्छी बात है। आप नहीं बनाती? बिजी शेड्यूल? नहीं, स्केड्यूल नहीं, मेरे से वो नहीं होता, वो लिप सिंक वाली गेम होती है ना, के साथ साथ वो डायलॉग आगे डाल रहा था मैं पीछे। वैसे कभी ट्राई किया? हाँ, वो एक क्या, एक डब स्मैश होता था टिकटॉक से पहले, वो मैंने अपनी बहन के साथ ट्राई किया था, फिर मेरी बहन ने कहा पढ़ा हो जाओ, तो क्योंकि मैं उसका भी खराब कर रही थी। पोस्ट भी करती हैं पब्लिक, पहले करती थी? नहीं, बस ये वही तो बता रही हूँ, सही बनी नहीं ना, तो वो फिर बस मुझे सबने कहा गेट आउट, फारिग हो तुम। तो ये थी मेरे साथ अरूज अली, ये मेरी कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहन है, ठीक है ना। इनकी और मेरी काफ़ी सारी हरकतें मिलती जुलती हैं, और इनका मेरा नाम भी मिलता, ओए मेरे पापा ने, मेरे पापा ही हैं, बस ये आपके नहीं है, सो सॉरी। ओके, बस नाम एक जैसे हैं, सॉरी। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी, ठीक है ना, आपसे, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बातें करके भी बहुत अच्छा लगा, और आप बोलती बहुत प्यार है माशाल्लाह। कोई ची करके आवाज नहीं आती है, ची करके तो मेरी आती है, मैं फिर नहीं कुछ करती, मैं कहती हूँ ची आ रही है, ची आए, मुझे नहीं कोई ची चा से फर्क पड़ता। वेरी गुड, मस्त। तो मैं आपसे लूंगी इजाजत, और जो देख रहे हैं मैं उनसे भी लूंगी इजाजत। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे पसंद किया, देखा, और जो आप चैनल देख रहे हैं ना उसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और आज मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ ब्लैक ड्रेस में, पता है लोग मुझे कहते हैं कि निम्रा तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो, हर शो में तुम वही पहन के जाती हो, वही पहन के जाया करो। आपने मुझे बताना है कि ये मैंने नया लिया ना, थोड़ा वो मॉडर्न टाइप लिया है, आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ज़्यादा मैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में अच्छी लगती हूँ या इन ड्रेसेस में अच्छी लगती हूँ, आपने मुझे बताना है, मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है ना। और मैं आपसे लूँगी इजाज़त, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें द निम्रा अली शो, APNN डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।